चलो शुरू करो। ये ऐसे इसको हिलाने के लिए ना 200 पकड़ना पड़ता है। मेरी बजट ना है, मेरी बजट ना है, लगा ले इसकी वाट लगा ले। साले मैं गर्म ही ना हो रहा हूँ, करीब आते आते दूरी रखी मोबाइल, मोबाइल दूर से खतरनाक होता थोड़ा। जागो गए सर्द से यार, ये पानी था किस चीज़ का बनता है? अच्छा अवैस भाई, कोई तासरात देना चाहेंगे इसके बारे में, कोई कंसेप्ट देंगे मुझे, क्योंकि मेरी भी अभी बारी आनी है। ये वेल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। इसको गैस वेल्डिंग कहते हैं साले, ये तो बता दे। आपको पूरा लक्ष्य लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये इट्स हॉट। एक मिनट इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा उधर से क्या लगाते हैं अली भाई? उधर से हम इसके ऊपर लगाते हैं फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स जो है वो अगर कोई जंग लगाओ मेटल पीस पे जिसको वेल्ड करने लगे हैं वो उसको साफ देता है। अच्छा और ये ब्रास का हम फिलर लेते हैं, जो फिल होता है वो फिलर होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा उसको फिलर नहीं कहते, होता वो भी फिल ही है। लेकिन वो उतर जाता है, ये बगैर ये डायरेक्ट आप आंखों से भी देख के कर सकते हो। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन फिलहाल यूज हो रही है। ये तो मैंने बस फैशन और ट्विटर बनने के लिए। एसिटिलीन बिल्कुल भी टॉक्सिक गैस नहीं है। डाल ऑन बना। ओए यार मेरे को भी क्लच को ब्रेक किधर है? रिमूविंग क्लच किधर है? ये फ्लक्स है जनाब, इसको रिमूव करें। भाई एक दफा फिर जोश और जज्बे के साथ लगे हुए हैं, और ये अरसलान भाई को देखें बहुत ही जोश और खरोश के साथ वेल्डिंग करते हुए, और अब अपना स्टाइल दिखाते हैं। डॉन वेल्डिंग भी करते हैं। चल चल हाँ एक मिनट आ रहा हूँ एक मिनट ना, अभी ये करने दे। ओ तेरी बहस की मेरे ऊपर आ रहे हैं। हाँ बात कर दूं मेरे मजबूत। अली भाई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे आप इसके साथ?
इसके अंदर ये होता है कि नॉर्मली हमने कट बनाना होता है, अभी हम कट बनाए बगैर कर रहे हैं वेल्डिंग। अच्छा, कट बना के जब हम करते हैं तो कट बनाने का क्या मकसद होता है? वो ग्राइंडर मशीन आप करें अभी भाई, ग्राइंडर मशीन पड़ी हुई है दूसरी तरफ, उससे हम पहले मेटल पीस को ग्राइंड करते हैं ताकि वी शेप बन जाए। उस वी शेप के दो मेटल्स हम पकड़ते हैं, उन दोनों मेटल्स को आपस में जोड़ के थोड़ा सा डिस्टेंस पे उनके दरमियान ये हमने इलेक्ट्रोड जो है ये चलाना होता है, वो वेल्ड हो जाता है। वो जो पिछली वाली थी वो ब्रेजिंग थी, वो लो टेम्परेचर थी, ये हाई टेम्परेचर है, ये वेल्डिंग है। इसको आर्क वेल्डिंग कहते हैं। हाँ, इसको आर्क वेल्डिंग कहते हैं, उसको गैस वेल्डिंग कहते हैं। सही। और ब्रेजिंग और गैस वेल्डिंग एक ही चीज़ है? ब्रेजिंग इसलिए उसको कहा गया क्योंकि टेम्परेचर लो था, और हाई टेम्परेचर पे उसी चीज़ को करते 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर वो गैस भी, वो भी जो है वेल्डिंग हो जाती है। अभी ब्रेजिंग थी। सही। ब्रेजिंग कट जा, कट जा, उन्हें करंट देना, चैन मारिए हैं जो तो हो जाओगा फिर। ये आपने बात ही है, ये क्या किया? डबल कर है, डबल, पहले एक दफा फिर दूसरी दफा। ओ प्लग्स चेक कर, पहले एक दफा मारे फिर उसकी बट दूसरी प्लग दरमियान में रहेगा। ये ठंडा इसको प्लग पे ले जा रहा है। चलो ए पर नजर रखी तुसी जनाब, बड़े जोजो खरोश ना लगे। आला यार बस स्टॉप कर रहा हूँ।